सबकी इच्छा होती है कि हम स्वस्थ रहें और हमारी लंबी आयु हो। आयुर्वेद में दीर्घायु होने की विधि बताई है और उसके चार नियम हमने छांटे हैं। अगर आप इन नियमों पर चलें तो आप भी 90 वर्ष तक स्वस्थ रह सकते हैं, वृद्ध अवस्था में भी आप स्वस्थ रह सकते हैं। ये विधियाँ हमने सरल रूप में की है, ऋषि में ऋषि की बनाई हुई ये विधियाँ हैं। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं और दीर्घायु चाहते हैं तो आप अपने ज़िंदगी में ये चार नियम तो आप अपनाने ही होंगे। अगर आप इन नियमों के विरुद्ध चलते हैं तो आप हमेशा रोगी रहेंगे और अल्पायु होंगे। ये कटु सत्य, किसी को बुरा लग सकता है, लेकिन ये शास्त्रीय ज्ञान है और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे गुजारिश करते हैं कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको अच्छी अच्छी वीडियो स्वास्थ्य संबंधित मिलती रहेंगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो आप लाइक तो करेंगे ही, आप अपने कितने ही दोस्तों में इसको शेयर करें, शेयर करने से हमारा उत्साह बढ़ेगा। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। अगर आपको 90-100 साल तक की आयु में स्वस्थ रहना है, वृद्ध अवस्था में भी युवक की तरह रहना है, तो ये नियम आपको निभाने होंगे। ये सरल हैं लेकिन इनको आदत में डालना होगा। जैसे आहार संबंधी नियम, पहला, इसमें शर्त है कि आप सात्विक आहार करें, यानी कि प्राकृतिक आहार, जिस शाकाहार, फलाहार, धान्याहार, यानी कि पोषक तत्वों से भरा हुआ, विटामिन मिनरल से भरा हुआ, प्रोटीन और फाइबर जैसी चीज़ों से भरा हुआ ऐसा भोजन करें जो सात्विक हो और प्रकृति से डायरेक्ट मिलता हो। इसमें अनाज, फल, सब्जियां आप भरपूर मात्रा में खाएं और पानी की मात्रा आप उचित मात्रा में लें। किसी के कहने से अत्यधिक जल भी ना लें और अल्प जल भी आपको नुकसान देगा। आप दीर्घायु होना है तो आहार का नियम आपको हार्डली करना पड़ेगा। इसमें फ्राइड चीज़ें, आजकल के जो प्रोसेस्ड फूड हैं, इनको टच ना करें। दूसरा नियम है व्यायाम और योग। हम आजकल दुनिया की आपाधापी में इतने पड़ गए हैं कि हम अपना ध्यान ही नहीं कर रहे हैं। अगर आप नहीं हैं तो ये दुनिया आपके लिए नहीं है, आप हैं तो आपके लिए दुनिया है, आपके लिए आनंद है। आप नित्य प्रतिदिन व्यायाम करें और मौसम के अनुसार अपनी आयु को देख करके ध्यान योग भी करें और परिश्रम करें। आप शारीरिक गतिविधियों में रहें, जैसे पैदल चलना, दौड़ना, खेलना, या अपने शरीर से कुछ न कुछ कर्म करते रहना। और मानसिक शांति के लिए आपको ध्यान योग करना है, मेडिटेशन करनी है, शांति के लिए प्राणायाम करना है। सबसे अच्छा है कि थोड़ी देर शांत बैठ जाएं कि मैं कुछ नहीं सोच रहा हूँ, मेरे पास कोई समस्या नहीं है। और अगर फिर भी आप शांत नहीं रह सकते तो अपने सांसों पर ध्यान दें कि अब आ रही है, अब जा रही है। इसके परिणाम स्वरूप आप अपने ज़िंदगी में बहुत सारा परिवर्तन मिलेगा। आप शारीरिक और मानसिक व्यायाम जरूर करते रहें, ये स्वस्थ रहने के लिए और दीर्घायु रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने शरीर को निठल्ला बनाते हैं, आराम में पड़े रहते हैं, तो आपको कोई ना कोई रोग पकड़ेंगे ही। वैसे
आराम करना भी जरूरी है। अगर आप थकान करते हैं, आपको काम करने में जो श्रम लगता है, तो उसका जो चिकित्सा है, श्रम की चिकित्सा आराम ही है। लेकिन सारा दिन आराम करना हराम है, आपकी ज़िंदगी खराब कर सकता है। दिनचर्या ठीक रखना, ये तीसरा नियम है। कोई इसमें खर्च नहीं होता, सिर्फ आदत बदलने की बात है। आप अपनी आदत बदलो, आप ज़िंदगी बदल सकते हो। दिनचर्या और रात्रिचर्या आपकी ठीक होनी चाहिए, यानी कि समय पर सो, समय पर जागो, समय पर भोजन करो और समय पर आराम भी करो। अब आपकी दिनचर्या में और रात्रिचर्या में घर का माहौल कैसा हो, आपके बिस्तर कैसे हो, आपका कपड़ा कैसा हो, यानी कि अच्छा पहने, अच्छा सात्विक खाएं और दिनचर्या जो आपकी जीविका कर्म है उसका भी निश्चित समय रखें, ध्यान योग का भी समय रखें, आराम का भी समय रखें। इस प्रकार से आप समय पर निश्चित कर लें और अपनी दिनचर्या ठीक कर लें। ऐसा ना हो कि दिन में सोएं और रात को जागें, रात को घूमें फिरें और दिन में आप विश्राम करें या सोएं। ये दिनचर्या या रात्रिचर्या आपको खराब कर सकती है। दिनचर्या में ये भी आता है कि बरसात के दिनों में दिन में कैसे रहना चाहिए या क्या खाना चाहिए, सर्दी में क्या खाना चाहिए, रात को खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, अगर रात को खाना है तो क्या खाना चाहिए और किस प्रकार से सोना चाहिए, किस दिशा में सिर करके सोना चाहिए। ये सभी ज्ञान हम धीरे धीरे आपको वीडियो में बताते रहेंगे। अब चौथा नियम है और आखिरी नियम है। आप अगर ये तीन रूल निभाते हैं तो आपकी ज़िंदगी बेटर होगी। आपको अपने जीवन से लगाव है, अब ये सिद्ध होता है, क्योंकि आप अभी तक मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं, तो इसका मतलब है आपको बड़ा आनंद आएगा अपनी ज़िंदगी में, आपको बड़ा इंटरेस्ट है ज़िंदगी को ठीक करने के लिए। अगर आपका चाव है आपको स्वस्थ रहने के लिए, तो ये रसायन चिकित्सा जरूर करें। आयुर्वेद में एक रसायन चिकित्सा का विधान है। अपने मन और स्वास्थ्य के लिए कुछ रासायनिक द्रव्यों का प्रयोग करते रहना चाहिए। जैसे आंवला, आंवला आप चूर्ण के रूप में भी ले सकते हैं, आप आंवले को आप सलाद में भी खा सकते हैं, आंवले का रस निकाल करके खा सकते हैं, आंवले को मुरब्बा बना करके खा सकते हैं। हाँ, सर्दियों में आप मुरब्बा ना खा करके च्यवनप्राश खा सकते हैं, च्यवनप्राश बहुत अच्छा रसायन है। और गर्मियों में आप आंवले का मुरब्बा खा सकते हैं या सेब का मुरब्बा खा सकते हैं। आप त्रिफला का प्रयोग करें, त्रिफला आप किसी भी मौसम में कर सकते हैं। रात को आप दूध के साथ लें और सवेरे आप पानी से, शोधन करना है तो पानी से लें और बल के यानी कि ताकत बढ़ाने के लिए आप दूध के साथ लें। हाँ, ये रसायन ऐसी चीज़ है कि आप करते रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, आपको दिखाई नहीं देगा कि आपको ताकत दे रहा है या आपकी सुरक्षा कर रहा है। आपके ऊपर अगर परमात्मा ने बादल कर दिए हैं छाया के लिए, तो आपको ये नहीं लगेगा गर्मी हो रही है। या आप अपने कर्म ये कर्म करते रहें और रसायन का प्रयोग करते रहें, आपको स्वस्थ अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा, अच्छी ज़िंदगी मिलेगी। आप गिलोय का प्रयोग कर सकते हैं। गिलोय को आप जानते ही हैं, कोरोना के टाइम से आप गिलोय का रस पी सकते हैं, उसका चूर्ण भी आता है, गिलोय की टेबलेट भी आती है, उनका प्रयोग कर सकते हैं। ब्रह्मी बुद्धि की शांति के लिए है और बहुत ही शारीरिक और मानसिक बल देता है। अशोक और अर्जुन, इनकी छाल की चाय बना कर लेते रहें, ये एक रसायन क्रम करेंगे, आपके दिल दिमाग और लीवर किडनी ये सभी ठीक होंगे। पुनर्नवा एक आता है जिसे देहात में साठ बोलते हैं, आप पुनर्नवा का प्रयोग करें। अब बरसात में ये बहुत तादाद में हो जाएगा, अब पुनर्नवा के ऊपर हम एक वीडियो बना देंगे और इसमें हम बाद में एक लिंक डाल देंगे,
तो आप उससे ले सकते हैं। आप गूगल से ट्राई कर में डाल करके अगर देखें तो पुनर्नवा की आप पहचान कर जाएंगे। आपके आसपास बहुत मिलता है, उसका साग बना करके खाएं, उसका चूर्ण बना करके। इस प्रकार से अगर आप ये चारों रूल निभाते हैं तो आपके शरीर में हमेशा बल रहेगा, रोग आपसे दूर रहेंगे, इम्यूनिटी आपकी बनी रहेगी, आप सदा स्वस्थ रहेंगे और प्रसन्न रहेंगे। परमात्मा से प्रार्थना है, आप यहाँ तक कहीं मेरी वीडियो देखी तो आपको परमात्मा हमेशा प्रसन्न रखे और दीर्घायु। धन्यवाद, नमस्कार।